खबरों में आगे बढ़ते हैं। हाथरस जा सकते हैं राहुल गांधी, घायलों से मुलाकात कर सकते हैं राहुल गांधी। इस मामले में यह बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। कल ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वहां पर घायलों से मुलाकात की है, अस्पताल भी गए थे मुख्यमंत्री। और आज खबर आ रही है कि राहुल गांधी आज हाथरस जा सकते हैं, घायलों से मुलाकात कर सकते हैं राहुल गांधी। इस मुद्दे को लेकर लगातार विपक्ष सरकार को घेर रहा है, कांग्रेस भी इसे लेकर सरकार पर लगातार आरोप लगा रही है। और आज राहुल गांधी जा सकते हैं हाथरस, जहां घायलों से मुलाकात कर सकते हैं राहुल गांधी। इस पूरे हादसे में अब तक 121 लोगों की मौत हो चुकी है, दर्जनों लोग घायल हैं और कुछ डेड बॉडीज ऐसी हैं जिनकी अभी तक कोई पहचान करने के लिए नहीं आया है। इस बीच यूपी सरकार ने एक न्यायिक आयोग का गठन कर दिया है हाथरस के पूरे मामले पर। यह न्यायिक आयोग पूरी घटना की जांच करेगा और उसके बाद कहा जा रहा है कि मामले में कौन आरोपी होगा। और सबसे बड़ी बात कि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो, इस समिति के रिकमेंडेशन के बाद इस पर एसओपी भी बनाई जाएगी। और खबर यह कि राहुल गांधी आज हाथरस पहुंच सकते हैं। और हाथरस कांड की कहानी में जैसे जैसे जांच एजेंसियां आगे बढ़ रही हैं, वैसे वैसे चौंकाने वाली खबरों का पर्दाफाश हो रहा है। इस मामले में मरने वालों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट जहां हादसे की डराने वाली हकीकत बयां कर रही है, तो वहीं सूरजपाल सिंह के बहुत बड़े नेटवर्क की एक कहानी भी सामने आ रही है। कांड का रोंगटे खड़े कर देने वाला सच, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हादसे की डराने वाली तस्वीर, एक भीड़ थी वो एक दूसरे को ऊपर हो गए बच्चे। न्यूज 18 इंडिया पर भगदड़ कांड की नई कहानी। दो जुलाई को हाथरस में हुए भगदड़ की पूरी कहानी क्या है, ये समझने के लिए जांच एजेंसियों ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। लेकिन इस बीच भगदड़ कांड में मृतकों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आई है, जिसमें पता चला है कि ज्यादातर लोगों की मौत दम घुटने की वजह से हुई है। भगदड़ की वजह से लोगों पर इतना दबाव बढ़ा कि कई लोगों की सीने की पसली टूट गई। उधर जांच की कड़ियां जैसे जैसे आगे बढ़ रही हैं, बाबा के नेटवर्क की चौंकाने वाली तस्वीर भी सामने आ रही है। दावा किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले में भी विश्व साकार हरि का एक आश्रम है। यह आश्रम 20 बीघा में फैला हुआ है। दावा किया जाता है कि एक राइस मिल कारोबारी ने 2012 में जमीन बाबा को दान में दी थी, जिस पर सूरजपाल उर्फ विश्व साकार हरि ने अपना आश्रम बनवाया है। संभल के नरौली इलाके में प्रवास कुटिया नाम से बाबा सूरजपाल का एक आलिशान आश्रम है। दावा किया जाता है कि 9 साल से बाबा सूरजपाल यहाँ नहीं आए। कासगंज में 30 बीघे में सूरजपाल का आश्रम है, जहां से बाबा के साम्राज्य की शुरुआत मानी जाती है। मैनपुरी की बिछवा में 21 एकड़ में विश्व साकार हरि का आश्रम है। यह आश्रम 5 स्टार होटल की तर्ज पर बनाया गया है। इटावा के सराय भूपत में 15 बीघे जमीन पर बाबा का आश्रम बनवाया गया है। दावा किया जाता है कि इस आश्रम का निर्माण गाँव के लोगों ने ही करवाया था। कानपुर में 14 बीघा जमीन पर बाबा का वीवीआईपी व्यवस्थाओं से लैस आश्रम है। बताया जाता है कि इस आश्रम के लोगों में ऐसी दहशत है कि लोग आश्रम के आसपास से निकलने से भी कतराते हैं। इसी तरह नोएडा के सेक्टर 87 में भी बाबा का एक बेहद आलीशान आश्रम है। इस तरह यूपी में बाबा के कुल 25 आश्रम बताए जाते हैं, जिनकी कीमत करोड़ों में आंकी गई है। बाबा सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि, हाथरस भगदड़ कांड के बाद इसी नाम की चर्चा पूरे देश में है। ऐसा सिर्फ हादसे की वजह से नहीं है, बल्कि बाबा सूरजपाल के उस लोक को लेकर है जो परत दर परत खुलकर सामने आ रहा है।
धकधड़ कांड के विलेन की कहानी। बाबा के सेवादारों पर सनसनीखेज रिपोर्ट। खुल गई बाबा की सुरक्षा की सीक्रेट फाइल। अचानक एक नाम टीवी से लेकर अखबारों तक की सुर्खियां बन गया, सूरजपाल चाटम उर्फ नारायण साकार हरि। न्यूज 18 इंडिया के हाथ लगी एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक बाबा की सुरक्षा में तैनात लोगों को बाकायदा कोड वर्ड से जाना जाता था। गुलाबी ड्रेस वाले सेवादारों को नारायणी सेना के नाम से जाना जाता है। ब्लैक कमांडो यानी वो कमांडो जो बाबा के काफिले के साथ चलते हैं, उन्हें गरुण योद्धा कहा जाता है। सर पर टोपी लगाने वाले और ब्राउन ड्रेस पहनने वालों को हरिवाहक कहा जाता है। बाबा सूरजपाल के सुरक्षा में तैनात इन लोगों को बाकायदा सेना की तर्ज पर टुकड़ियों में बांटा गया है। मसलन ब्लैक कमांडो यानी गरुण योद्धा 20-20 की टुकड़ी में होते हैं। गुलाबी ड्रेस वाले नारायणी सेना के लोग 50-50 की टुकड़ी में होते हैं, जबकि हरिवाहक यानी टोपी और ब्राउन ड्रेस वाले 25-25 की टुकड़ी में होते हैं। यानी बाबा की सुरक्षा एक खास मैनेजमेंट के तहत की जाती थी, जिसमें महिला सुरक्षा कर्मी भी शामिल थे। सवाल यही है कि सूरजपाल की अपनी सुरक्षा इतनी पुख्ता रहती थी, लेकिन उनका क्या जो बाबा सूरजपाल के इशारे पर न मौसम की परवाह करते थे और न ही किसी दूसरी चीज की।